जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा और रोजगार से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित जो भी न्यूज होते हैं, मानदेय स्थायीकरण और पेंशन से संबंधित, वो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। तो दोस्तों आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और आपको किस रिलेटेड कैसा वीडियो चाहिए वो भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मानदेय स्थायीकरण किस से रिलेटेड चाहिए वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएगा, आप भूल नहीं जाएगा। और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि आप आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित कई अच्छी न्यूज चूक नहीं जाओ उससे बचने के लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर के आया हूँ दोस्तों। कई हरियाणा से मेरे पास में कमेंट आए थे कि सर हमारे लिए कोई न्यूज़ नहीं है, तो उनके लिए भी मैं न्यूज़ लेकर के आऊँगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रैली 25 को हरदा, भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियमितीकरण की मांग को लेकर 25 फरवरी को रैली करने जा रहे हैं। हरदा भारतीय मजदूर संघ की तत्वाधान में जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियमितीकरण की मांग को लेकर 25 फरवरी को रैली निकालेगी। इसके लिए पदाधिकारियों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के से संपर्क शुरू कर दिया है। जिला मंत्री जितेंद्र सोनी ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रैली को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। हरदा के अलावा टीमरनी और खिड़किया और सिराली हंडिया व रहट गांव की कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होने वाली है। तो यह न्यूज जगह जगह हर स्टेट में आंदोलन होता जा रहा है, जैसे कि यूपी सरकार ने भी मानदेय को रिलेटेड आज ही घोषणा की है, वैसे अदर स्टेट की सरकारें भी जल्द ही घोषणा करेगी, क्योंकि जगह जगह आंदोलन कर रही है आंगनबाड़ी आशा बहनें पेमेंट मानदेय स्थायीकरण और भी कई मांगे बहनों की कि कम से कम स्थाई तो हमारे को लास्ट जैसे 60 साल तो कम से कम रखे जाए, हमें स्थायीकरण नहीं किया जाए लेकिन 60 साल तक का हमें बॉन्ड जरूर दें जिससे हम और कहीं जाने लायक, क्योंकि 10 से 20 साल तो उन्होंने अपनी दे दी, अब वो और कहीं जाने के लायक भी नहीं है। मतलब उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा, एक ही ये ऑप्शन था कि ये वहाँ पे अपने 10 साल दे, अगर कोई और फील्ड में देते तो वो कुछ अच्छा कर पाती, अब वो न तो इधर की न उधर की। तो उनकी यही मांग, बहनों की अलग अलग मांगे हैं, आपकी क्या मांगे हैं और आप कैसा वीडियो चाहते हो तो मेरे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा, मैं आपके लिए हर टाइप की न्यूज़ जरूर लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।